अभी मैं एक स्कूल प्रांगण में हूँ, एक सरकारी स्कूल जो कि पूरी तरह बंद है। रीज़न मुझे पता नहीं, कोरोना रीज़न है या जो भी रीज़न है, ये गांव का एक स्कूल है जो कि पूरी तरह बंद है। हमको पता नहीं कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अभी कहाँ पे क्या कर रहे हैं। खैर वो तो अलग मैटर है, वो क्यों बंद है क्या बंद है उससे, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे गाँव के एक्सपीरियंस से हमको लगता है ना कि जितने भी शिक्षित लोग हैं ना, मतलब जितने भी हमारे जो भी इस देश में पढ़ पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, उनको थोड़ा इस बात पर सोचना चाहिए कि कुछ लोग तो ज़रूर, अगर वो चाहें ना तो इन गाँव में आ सकते हैं और अपनी तरफ से शिक्षा है ना फैला सकते हैं। क्योंकि आपको पता है हमारे देश का भविष्य ना हमारे बच्चों पर निर्भर करता है। हमारे बच्चे जितने पढ़े लिखेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, उतना ही हमारे देश का फ्यूचर ब्राइट होगा। तो मेरे एक तरह से अपील भी है कि जो भी लोग अपने जीवन में शिक्षा पा पाते हैं उसको ज़रूर फैलाएँ। ज़रूरी नहीं कि हर कोई जाके इंग्लैंड अमेरिका सेटल हो, इट्स गुड थिंग, वो भी बहुत अच्छी बात है, पर कुछ युवा जो कि शिक्षित हो पाते हैं एक अपील की तरह है कि पक्का ये सब जगहों पर आएँ वो और शिक्षा की ज्योति फैलाएँ। कुछ काम दूसरों के लिए, समाज के लिए भी करते हैं, अपने देश के लिए भी करते हैं। तो मेरे से तो जहाँ पॉसिबल हो पाता है एम ट्राई, और आप लोग भी जो भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उस वीडियो के माध्यम से यही फैलाना चाह रहे हैं और मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि आपके आसपास जो भी गाँव हो, थोड़ा बहुत भी टाइम निकाल कर अपने सैटरडे संडे चाहे जो भी आसपास के जो भी गरीब बच्चे या जहाँ तक शिक्षा नहीं मिल पा रहा है उनको, जिन भी रीज़न से, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, शिक्षा की जोत जलाएं। क्योंकि फाइनली हमारा देश इसी बात से डिसाइड होने वाला है, इसका फ्यूचर, कि हमारे देश के लोग कितने एडुकेटेड हैं। तो वही एक अपील की तरह, एक मैसेज की तरह है कि खुद भी शिक्षित बने और जितना संभव हो सके शिक्षा को फैलाएं अपने आसपास उन बच्चों के बीच जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से महरूम रह गए हैं, उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रहा जिन रीज़न से भी। वैसे भी ये स्कूल है, निर्जन प्लेस बना हुआ है, यहाँ पे आज वर्किंग डे, यहाँ बच्चों को होना चाहिए। अब जिस रीज़न से बंद है, मेरे से लोगों को तो बहुत कष्ट पहुँच रहा है, क्योंकि सीधे दिख रहा है कि पता नहीं बच्चों को घर पे बैठ के भी क्या कर रहे होंगे, उन्हें इन स्कूल में होना चाहिए।